पिछे पिछे तुर दिया फेम अजकल आउंदा है सतारा विच नेम अजकल तेरे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, चल पड़े हैं अभी जिम की तरफ। आई बिलीव इन लव, इश्क इश्क प्यार। भाई क्या फिल्म थी ना शाहिद कपूर वाली यार, ये पता नहीं रीमेक तो बनाते रहते हैं, लेकिन जो पहला गलबात सी ना फिल्म दी वो नहीं सी। और हम ये सब बोलते रहते हैं, हमारे मम्मी पापा इससे भी पुरानी बोलते रहते हैं। अब नई जनरेशन आएगी, जॉब वाली चल रही है वो आप बोलेगी, ये सब चल रहे रहना है। चलो गड्डी जो मिलते हैं। सो गाइस, बस जिम चल रहे हैं, जिम जा के कार्डियो करेंगे। अब सच सच में कमेंट करना भी कितना फर्क पड़ा है, आपको लग रहा है कि कितना का फर्क पड़ा है मेरे अंदर, एंड मुझे वो मोटिवेट करें, मुझे भी पता चलना चाहिए भी कितना फर्क पड़ा है। हाय, सिरे सिरे जिम जान का जो मजा है ना, सारे काम हो जाते हैं यार, है ना। आज भी हम जल्दी से आके नहा के धो के बढ़िया मंदिर चलेंगे, मंदिर आके अगर कोई काम होगा वो निपटा लेंगे, अगर ना हुआ तो फिर घर पे लेट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता मैं बाहर घूम फिर के, काम करने आए काम ही करेंगे। चलो मिलते हैं गाइस, बाय बाय। गाइस फ्रूट वगैरह ले लिया है, ये देखो, मतलब सेब केला खरबूजा, आज नाशपाती भी लिया है। अगले हफ्ते से आम खाना शुरू करूँगा गाइस, मतलब आम तो मैं फिर रहने ही देता हूँ, क्योंकि लेट्स कंप्लीट वन मंथ विदाउट शुगर, है ना। अब केला सेब में नेचुरल शुगर बंद भी नहीं करनी चाहिए, जो वेट हमेशा गेन होता है दैट इज़ फ्रॉम प्रोसेस्ड शुगर, रिफाइंड शुगर, समझ रहे हो, इनसे ज़्यादा वेट गेन होता है। जो नेचुरल शुगर है उसमें नहीं कुछ होता है ना, लेकिन कीटो में कहा जाता है कि फ्रूट वाली शुगर भी नहीं खानी, बट दैट इज़ अ इंस्टेंट रिजल्ट। और मेरे हिसाब से डाइट वो होनी चाहिए जो आप नॉर्मल ज़िंदगी में भी उसको जी पाएँ, और आप डाइट अगर छोड़ें तो आपको इतना फ़र्क ना पड़े, समझ रहे हो। बाकी देखो अपने की नाम है, डाइट ही सारा कुछ है। प्रोटीन तो मैं ले, प्रोटीन एज इन प्रोटीन स्कूप तो मैं नहीं ले रहा, एक्चुअली मैं ले रहा हूँ योगा बार, क्योंकि देखो प्रोटीन पीने से क्या होता है कि साथ में ही वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और ये योगा बार खाने से क्या होता है, यू नो आप यू गेट फुल, तो मैं चीज़ें वो चुनता हूँ जिससे मैं फुल हो जाऊँ, समझ रहे हो। तो मिलते हैं, हम घर चलने, देखते घर जाके की प्लान बनता। गुड इवनिंग गाइस, यार पता नहीं क्या हो रहा है, मैं जब सोता हूँ मतलब दोपहर को जब मैं नींद लेने की कोशिश करता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, मतलब आती है कच्ची पक्की नींद आती है। और जब मैं उठ जाता हूँ तो उठ जाता हूँ तो मेरे को नींद आती है, नहाने से पहले तक ठीक होता हूँ, नहाने के बाद सिर भारा हो जाता, फिर ठीक भी हो जाता, समझ नहीं आ रहा की हो रहा है। लेकिन हम इन चीज़ों को कुछ मानते नहीं तो इग्नोर करते हैं। आप सबको पता ही होगा मोस्ट प्रायोरिटी जिम, समझ ही जाओगे आप जिम क्यों जा रहा हूँ जब सही समय आएगा। चलो चलते हैं, गाड़ी में मिलते हैं फिर आप सबसे। सो हाँ जी गाइस, यार वो ना जब मैं वहाँ पे चल रहा होता हूँ ना तो ऐसे बिल्डिंगें बनी हुई हैं, कोई नीचे देख रहा होता है कुछ देखना, मैं बड़ा अनकम्फर्टेबल सा रहता हूँ। व्लॉगिंग मेरे लिए कुछ ऐसा सा सीन है कि मैं या तो अपने लोगों में कर सकता हूँ, ऐसे अनजाने में जाके नहीं किसी के सामने, या किसी के सामने नहीं कर पाता, कर करना पड़ेगा कर भी लेंगे जब अपने पास ऑप्शन है, तो क्यों जाके क्यों ऐमी शरेआम सा होना, समझ रहे हो। सुबह फ्रूट लेके आया था सारा कुछ, फिर उसके बाद सारी घर की ग्रॉसरी मंगाई, डीओ मंगाए, दही मंगाया,
ठीक है, सीड्स मंगाए, बड़ी सी चीज़ें होती हैं भाई घर की, वो चीज़ें मंगाई, बढ़िया पाठ पूजा करके अब निकले हैं घर को। कल तो चलो मैं थका हुआ था, इस वजह से मैं सो गया यार। मैंने आज भी सोचा था कि मैं आज मंदिर जाऊंगा, लेकिन भाई यार पता ही नहीं, हिम्मत सी नहीं हुई मंदिर जाने की। और जब मैं सोने लगा तो नींद नहीं वो प्रॉपर आई, समझ रहे हो, कुछ ऐसी सी दिक्कतें चल रही हैं गाइस। बाकी आप सबको मेरे ब्लॉग ठीक लग रहे हैं ना यार, थोड़ा एडजस्ट कर लो अगर थोड़े बेकार भी आ रहे हैं। बाकी मिलते हैं गाइस फिर, जिम जा रहे हैं यार। देखो जिम तो कंप्लीट हो गया है, हम जब चाहेंगे हम तब जवाब देंगे, जब हमारा दिल करेगा जवाब देने का हम तब जवाब देंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया जवाब दो तो जवाब दे देना है, ये मर्जी है साड़ी, ठीक है ना। किने केदी किन्नी कनेरी ठा रखी है पता ही है तानू, ठीक है ना, किसने कितना क्या काम कर रखा है सब पता ही है आपको। मैं सच में बताऊं, मैं इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, मुझे इटर्नल खबरें इतनी पता है, मैं आपको बता भी नहीं सकता गाइस, समझ रहे हो, इतना कुछ मेरे को पता है मैं बता नहीं सकता। तो तुम कहोगे अच्छा इदा भी हो जाती है, तो आई चक्कर है गाइस, समझ रहे हो ना। तो बस मैं यही गल कहूँगा, गेट वेल सून, जेड़े भी बेचारे प्रॉब्लम्स ने, जो भी बंदे प्रॉब्लम में हैं, जिनको सांस आने में दिक्कत हो रही है, गेट वेल सून गाइस, भगवान का नाम ले, हनुमान चालीसा पढ़ा करें, अंदरूनी ताकत आएगी आपको, है ना। एंड एवी कोई फायदा नहीं है किसी तंग करने का, अपन नजारा ले रहे हैं। जो गलत भी लिख रहा है उसका भी मैं कमेंट लाइक कर रहा हूँ, जो सही लिख रहा है उसका तो लाइक करता ही हूँ मैं, समझ रहे हो। अपने नु कोई डर नहीं है, शर्म नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, समझ रहे हो। गेट वेल सून गाइस, अपना ख्याल रखें, ठंडे पानी से नहाएं जरा ताड़ा मत्था ठीक हो गए, है ना। जिनके लिए आप लड़ते फिरते हो वो बेचारे पता नहीं देख भी रहे हैं तानू कि नहीं देख रहे, चलो की कह सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ पॉजिटिव रहा करो, कोई फायदा नहीं है, सस्ती सी सरकारी सलाह है, पॉजिटिव रहो, अच्छा अच्छा कहो, अच्छा अच्छा सुनो, ठीक है। जो तब हमने बोला वो क्लैरिफिकेशंस देनी बहुत जरूरी थी, ठीक है जी, तो हमने दे दी, हुण सानू पता है सी कौन है, गल खत्म, बाय बाय, सी यू, बाद च मिलांगे, गेट वेल सून। हाँ जिसको भी बुरा लग रहा है ना मेरा व्लॉग डालने पे, गेट वेल सून गाइस, हाँ ओके बाय। Good morning guys, good morning, good morning, कैसे हो आप सब लोग। सज्जन कमेंट कर रहे थे कहते कॉफी बैठ के पीनी चाहिए। सारे इतने मैं थोड़ा ड्राइंग रूम थोड़ा कोल रखा, नीचे बैठ के पीनी पड़ेगी, और मेरे को सुबह सुबह तो खड़े होके ही पीनी है, क्योंकि मैं बेड पे तो पानी तक नहीं पीता भाई। मैं थोड़ा ना शास्त्रां दे हिसाब नाल चलता हूं, अपनी मर्जी से नहीं चलता। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। कल पता क्या हुआ, जिम लगा रहा था, पहले तो स्टेयर स्टेपर करे मैंने 30 मिनट भाई, उसके बाद ना मैं लेग्स एक्सरसाइज लगाने लग गया भाई, मेरे ना जो थाइज होते हैं वो जाम हो गए। अगर नीचे बैठा करूँ तो नीचे रह जाया करूँ, ऊपर खड़ा हुआ करूँ तो ऊपर रह जाया करूँ, उसकी मूवमेंट ही सारी बंद हो गई, मतलब मसल इन्ने पंप हो गए हो भाई। अभी भी वैसे ऐसा ही सीन हो रहा है, लेकिन अब जिम तो करना ही है गाइस, छोड़ नहीं सकते, जिसको एक बारी पकड़ा है उसको छोड़ नहीं सकते।
सामने वाला बवाल छोड़ के चले जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कभी नहीं किसी को छोड़ा। ओए होए माधव शर्मा सवेरे सवेरे कितने दिया कितने गल्ला ले जाना तू भी। एक जगह पे कभी रुका नहीं, एक जगह पे कभी टिका नहीं, जैसा मुझे वैसा कोई मिला नहीं, पर जब से देखा तुझे जो हो रहे यार। हमेशा लिरिक्स बोल जाते हैं यार, हमेशा बोल जाते हैं यार। हैंगओवर तेरी यादों का, कमेंट सब पढ़ रहा हूं मैं, एक एक कमेंट पढ़ रहा हूं। जरूरी थोड़ा है जब ये चाहेंगे हम जवाब देंगे, जरूरी थोड़ा है जब ये हमें गुस्सा दिलाएंगे और हमें गुस्सा आए। गेट वेल सून गाइस, कोई चक्कर वाली गल ही नहीं हैगी। है तो तुम भी इंसान ही ना यार, समझाना तो मेरा फर्ज है ना तुम्हें भी, क्यों जिसके लिए तुम लड़ रहे हो देख रहे हैं। अब जैसे मैं हूं, मेरी आदत है हर एक कमेंट पढ़ने की, मैं तो देख रहा हूं ना, और तुम मुझे बुरा फील करवाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे को घंटा बुरा नहीं फील होता, पता है आपको। मैं सोचता हूं यार ये बंदे कितने वेले हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं यार, और जिनके लिए एनर्जी वेस्ट करते हैं वो देख रहे हैं क्या। अब जैसे अभिषेक के लिए जो पॉजिटिव कमेंट्स है ना, वो मैंने पढ़ लिए, जब हम कभी मिलेंगे वी विल डिस्कस, है ना, वी अभिषेक तेरे बारे में ये बातें हो रही थी, ऐसे ऐसे हो रहा था ना, मतलब हमारा सिस्टम क्या है भी, हम डिस्कस करते हैं। तो सी यार पता नहीं कौन से बंदे बारे में आगे बातें करने लग जाते हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। टेंशन ना लिया करो, ख्याल रखिए अपना, वधिया दूध के मक्खन खाए ताकि तुहाडा दिमाग चले। फिर से ट्राई मारो। एक जगह पे कभी रुका नहीं, एक जगह पे कभी रुका नहीं, जैसा मैंने चाहा मुझे वैसा कोई दिखा नहीं, पर जब से देखा तुझे जो हुआ नहीं वो होने लगा, दिल मेरा मुझे जगा के खुद रातों को सोने लगा, मेरी किस्मत बदल रही है यह यही है यही है, हैंगओवर तेरी यादों का हैंगओवर। याद है किसी को ये फिल्म किक? ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म यार। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, फिर मुलाकात होगी। टिल देन लाइक जरूर करना है, फॉलो जरूर फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पे स्नैपचैट पे भी फॉलो करना, मैं सारा जिम का अपना जो भी सिस्टम होता है वहाँ स्नैपचैट पे डालता हूँ, ठीक है जी। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब है ना, सब्सक्राइब जरूर करते रहे, प्यार देते रहे, मोहब्बत करते रहे, मुझे दुआएं मेरे लिए करते रहे, ठीक है जी। एंड राधे राधे हर हर महादेव गाइस, जय माता दी, फिर मुलाकात होगी आप सबसे। प्रदीप कहता है।